है आपका QNS News में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जामिन मुझे आज इनवाइट करने के लिए और इस बातचीत के लिए। आपसे जानना चाहेंगे जो कि ट्विटर पे एक इस वक्त कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ चल रही है, तो इस जमन में आप क्या कहना चाहेंगे? जामिन मुझे कश्मीर में काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और मोस्टली काम जो मैंने किया एज एन इंडिपेंडेंट सोशल एक्टिविस्ट ही किया है, अब वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हो या यू नो टॉकिंग अबाउट अदर ह्यूमन राइट्स इश्यूज़। तो इवन दो मैं जम्मू डिवीजन को बिलोंग करती हूँ बट हमेशा मैंने कश्मीर की ही बात की है क्योंकि एक अटैचमेंट है मेरी कश्मीर से। जहाँ तक रही पिछले दिनों की कॉन्ट्रोवर्सी की बात, एक ट्विटर पे एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें मैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ दूर दराज के गांव में काम कर रही थी। तो उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज से कुछ महीने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी थी बट जब मुझे पता चला कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ या कश्मीर को लेके या किसी भी तरह के ओपिनियंस जो हैं वो मैच नहीं करते, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर ओपिनियंस, तो मैंने अपना जो रास्ता है उनसे मतलब आई सेपरेटेड माई वेज फ्रॉम देम। तो अब यही है कि आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पॉइंट कि पिछली पिक्चर्स को उठा के लोग उसको वायरल करें क्योंकि कश्मीर ने मुझे बहुत इज्जत दी है जामिन, इट्स बीन 4 ईयर्स, मोर देन 4 ईयर्स, और यहाँ पे बहुत इज्जत बहुत प्यार मुझे कश्मीर ने दिया है और उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती और वो ही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है कि मैं और अपना वक्त और अपनी एनर्जी जो है वो कश्मीर की तरफ मैं जो दूँ। तो इस तरह के वायरल पोस्ट जब हम देखते हैं अब 3 साल पुराने 2 साल पुराने तो एक कहीं ना कहीं एक मोरल जो हमारा एज अ सोशल एक्टिविस्ट मेरे जैसे और भी लोग हैं उनका बहुत डाउन होता है और फिर मुझे अफसोस होता है कि इस तरीके से कश्मीर कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बहुत से लोगों के साथ मिलती रही हूं और आगे भी मैं मिलूंगी क्योंकि मेरे फील्ड का काम है, मुझे अलग अलग लोगों से मिलना है, उनके ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करना है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि कश्मीर विजिट जो मैं करती रहती हूं इस वजह से मैं हर तरह के लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका मिला और उनके ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपनी अपना जो ओपिनियन है वो किस तरफ लेना चाहती हूं और मैं किस हिसाब से कश्मीर में काम करना चाहती हूं। एंड आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज भी है और मैं वही कश्मीर को देना चाहती हूँ। मुझे पॉलिटिकली ना एफिलिएट किसी से होना है और ना ही मैं भी किसी के साथ पॉलिटिकली एफिलिएटेड हूँ। मैंने पिछले एक साल में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ज्वाइन की थी जिसमें मैंने याना के साथ काम किया था, याना मीरचंदानी, एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, देखो इंटेंशन तो कश्मीर के लिए काम करने की ही थी, तब भी थी आज भी है, बट किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो करके काम करना चाहते हैं दैट मैटर्स। द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं आई पार्टेड माय वेज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर और वही आज तक चलता आ रहा है, आज भी मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हूँ।